पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं। दादी पिक, दादी एग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिक, दादी। हेलो पेपा, जॉर्ज। ये है दादा पिक का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पे। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो। मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। बुद्धू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिक की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओ जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। याक। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? पड़ गया। जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक। वाह वाह, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। द म्यूजियम। पेपा और उसका परिवार म्यूजियम जा रहे हैं। डैडी, म्यूजियम क्या होता है? ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिलचस्प चीजें होती हैं। आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी। ओह, बहुत ही पुरानी। एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। हाँ, मुझे राजा रानी का कमरा देखना है।
वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डायनासोर है। वो डायनासोर। हेलो मम्मी पिग। हेलो मिस रैबिट। कितने टिकट चाहिए आपको? दो बड़े और दो बच्चे। डायनासोर। और एक डायनासोर। पेपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीजें हैं। वाह, डायनासोर। पर जॉर्ज को असली डायनासोर देखना है। रोना मत जॉर्ज, इसके बाद हम डायनासोर देखने जाएंगे। पेपा, ये सारी चीजें कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी। ये है रानी की खास कुर्सी, उसे सिंहासन कहते हैं। बहुत सुंदर है। ये है रानी की ड्रेस। कितनी प्यारी है। देखो पापा, ये है रानी का सोने का मुकुट। वाव, बहुत सुंदर है। मम्मी, रानी का टीवी कहाँ है? पापा, उस समय टीवी नहीं होते थे। टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कंप्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे। वो दिन भर क्या करते थे? मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती। पेपा खुद को रानी समझ रही है। कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज। अभी ला कर देती हूँ। चलो अभी सब लोग। आ रही हूँ डैडी। डैडी, मैं हूँ रानी पेपा। मुझसे बात करते वक्त आपको झुकना होगा। ओह, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए रानी साहिबा। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ। ये तो बड़ा मजेदार काम होगा। हाँ, बड़ा ही मजेदार काम है ये। और ये कौन सा कमरा है? ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर का कमरा? जॉर्ज, ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर कहाँ है? वो कहीं कमरे में ही है। मुझे नहीं दिख रहा, लगता है बहुत ही छोटा डायनासोर है। असल में पापा, वो बहुत ही बड़ा है। ये असली डायनासोर की हड्डियां है। डायनासोर। जॉर्ज खुद को डायनासोर समझ रहा है। डायनासोर का कमरा जॉर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है। राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और लगता है डैडी पिग पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए। वो कौन सा कमरा है मम्मी? जिस कमरे में केक्स है। डैडी पिग को पसंद है म्यूजियम का कैफे। चलो आकर खा लो। ओ हाँ, ये सबसे अच्छा कमरा है। साफ सफाई करना। पेपा और जॉर्ज अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। जॉर्ज, चलो गुड़िया और डायनासोर्स के साथ खेलते हैं। वो क्या है? एक भयंकर राक्षस है। डायनासोर। ये एक डायनासोर है। बचाओ, बचाओ। डैडी पिग बाहर के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी पिग अपनी किताब पढ़ रही है। वो क्या कर रही हैं? पापा, जॉर्ज, क्या चल रहा है? ये इतना शोर कैसा? वो बचाओ।
ये क्या हो रहा है? कितना शोर कर रहे हो? और फर्श पर ये कितना सामान पड़ा है? इस पर गिरकर किसी को चोट लग सकती है। कोई सचमुच गिरा है और उसे चोट भी लगी है। अरे बाप रे, बेचारे डैडी पिग। अब चलो बच्चों, थोड़ी साफ सफाई कर ले। पर मम्मी, हम गुड़िया और डायनासोर से खेल रहे हैं। सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो। पर ये तो सारा जॉर्ज का सामान है। अच्छा, सचमुच? तो ये जॉर्ज का ही खूबसूरत ड्रेस होगा, है ना? नहीं। शायद थोड़ा सा सामान मेरा है। तो चलो, मैं सफाई करने में जॉर्ज की मदद करूंगा और मम्मी पिग पेपा की। क्यों ना हम रेस करें लड़कियों और लड़कों के बीच। बेहतरीन आइडिया है। देखते हैं पहले सफाई कौन करता है। 1, 2, 3। हम जीत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रहा। ओह, ये क्या है? टेडी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जल्दी पापा, टेडी को अपने खिलौने के बक्से में रखो। डाल दिया। अब ये किताबें। बढ़िया। ये क्या है यहाँ? डायनासोर। सही कहा, डायनासोर की किताब है। ये जॉर्ज की पॉपअप किताब है। ये टायरानोसोरस रेक्स है। टायरानोसोरस रेक्स। सही कहा। तो ये तो ब्रोंटोसोरस है। ब्रोंटोसोरस। बिल्कुल सही। और ये है ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स। सही कहा जॉर्ज। जॉर्ज को डायनासोर्स बहुत पसंद है। डैडी, जॉर्ज, आपने सफाई करना रोक दिया है। आप रेस हार जाओगे। अरे हाँ, रेस हार जाऊंगा। चलो जॉर्ज, ये किताब वापस रख दो। डैडी, आप बहुत धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं। मम्मी और मैं जीतने वाले हैं। नहीं, हम जीतने वाले हैं। हम जीत गए। नहीं, हम जीत गए। हम सब जीत गए। देखो कमरा कितना साफ लग रहा है। कितना साफ कमरा है। सबको शाबाशी। मम्मी, अब जब हमने कमरा साफ किया है तो क्या हम गुड़िया और डायनासोर से खेल सकते हैं? हाँ, अब तुम अपना खेल शुरू कर सकते हो। यिप्पी! मेरी सारी गुड़िया कहाँ है? मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिल गए डायनासोर। ओहो, कमरा फिर से गंदा हो गया। चलो, थोड़ी देर के लिए तो साफ था। लंच। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिग। दादी। हेलो पेपा, जॉर्ज। ये है दादा पिग का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पे। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पे। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं
और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। पुत्तू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिग की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओह जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। याक। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? पड़ गया। जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक। वाह वाह, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। मिस्टर डायनासोर इज लॉस्ट। जॉर्ज का मनपसंद खिलौना है मिस्टर डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को मिस्टर डायनासोर बहुत पसंद है। कभी कभी जॉर्ज को मिस्टर डायनासोर से पापा को डराने में मजा आता है। बहुत डरावना है। खाने के वक्त मिस्टर डायनासोर जॉर्ज के पास बैठते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तुम थे जॉर्ज या फिर मिस्टर डायनासोर? डायनासोर। नहाने के समय जॉर्ज मिस्टर डायनासोर को अपने साथ नहलाता है। गुड नाइट पेपा। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट जॉर्ज और गुड नाइट मिस्टर डायनासोर। जब जॉर्ज सोने के लिए जाता है तो मिस्टर डायनासोर भी उसके साथ सोते हैं। जॉर्ज का मनपसंद खेल है मिस्टर डायनासोर को ऊपर हवा में उछालना और उन्हें पकड़ना जब वो वापस नीचे गिरते हैं। पेपा और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं। मैं जीत गई डैडी। ओह, शाबाश पेपा। जॉर्ज। जॉर्ज, क्या बात है बेटा? डायनासोर। जॉर्ज, मिस्टर डायनासोर खो गए क्या? जॉर्ज ने मिस्टर डायनासोर को खो दिया। फिक्र मत करो जॉर्ज, हम मिस्टर डायनासोर को ढूंढ लेंगे।
ये तो एक जासूस का काम है। डैडी क्या होता है ये जासूस? पेपा, जासूस एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूंढने में माहिर होता है। मैं चीजें ढूंढने में माहिर हूँ। तो ठीक है, पेपा ही जासूस है। जॉर्ज, मैं हूँ जासूस। मैं मदद करूंगी मिस्टर डायनासोर को ढूंढने में। मुझे लगता है जासूस को जॉर्ज से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए। जॉर्ज, मिस्टर डायनासोर कहाँ है? जॉर्ज नहीं जानता कि मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डायनासोर कहाँ हो सकते हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। जॉर्ज जब भी नहाता है मिस्टर डायनासोर उसके साथ होता है। तो मिस्टर डायनासोर टब में होंगे। मिस्टर डायनासोर टब में नहीं है। ओह, मुझे पता है मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जॉर्ज हमेशा रात को मिस्टर डायनासोर को अपने बिस्तर पर सुलाता है, इसलिए वो वहीं पर है। मिस्टर डायनासोर जॉर्ज के बिस्तर में भी नहीं है। ओह, शायद हमें गार्डन में ढूंढना चाहिए। हाँ, गार्डन। मैं वही कहने वाली थी। मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिस्टर डायनासोर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। मिस्टर डायनासोर यहाँ कहीं नहीं है। जॉर्ज, तुम्हें मिस्टर डायनासोर को हवा में उछालना पसंद है? मुझे लगता है इस बार तुमने मिस्टर डायनासोर को थोड़ा ज्यादा ऊपर उछाल दिया है। वो वहाँ है, मैंने उन्हें पहले देखा। शाबाश पेपा, तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो। जॉर्ज मिस्टर डायनासोर को वापस पाकर बहुत खुश है। शायद पेड़ों के पास डायनासोर से खेलना एक अच्छा आइडिया नहीं है। The school fit. आज स्कूल मेले का दिन है। पेपा को मेले में आना अच्छा लगता है। ये हैं पेपा के दोस्त, कैंडी कैट, सूजी शिप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्तों। हेलो। मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है। मुझे भी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? फेस पेंटिंग करना। गुब्बारे पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा उछलने वाला कासल पसंद है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हो, बहुत अच्छी पसंद है पेपा। फिर मिलेंगे पेपा। फिर मिलेंगे। जॉर्ज, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? डायनासोर। ओह डियर, मेले में कोई डायनासोर नहीं है जॉर्ज। शायद हम एक डायनासोर गुब्बारा ले सकते हैं। आपको यकीन है उनके पास डायनासोर गुब्बारे हैं डैडी पिग? हाँ हाँ, जरूर होंगे मम्मी पिग। क्या पहले मैं और जॉर्ज अपना मुंह पेंट कर ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिस रैबिट ने पेपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है। तो ये लो सूजी, अब तुम एक टाइगर जैसी लगती हो। थैंक यू मिस रैबिट। वाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगा सूजी। क्या तुम पुसी कैट हो? नहीं, मैं टाइगर हूँ। पेपा, तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बनना है एक एलिफेंट। ओ डियर, मैं एलिफेंट बनाना नहीं जानती। मैं टाइगर बना सकती हूँ। ठीक है, टाइगर बना दीजिए। लो हो गया पेपा, अब तुम एक टाइगर हो। मैं टाइगर हूँ। जॉर्ज, तुम क्या बनना चाहते हो? डायनासोर। एक डायनासोर? उसके बजाय एक टाइगर कैसा रहेगा? मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ। मैं टाइगर हूँ। मैं भी। टाइगर्स वुफ वुफ नहीं बोलते। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लियाँ होते हैं। और मैं एक बिल्ली हूँ। कैंडी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? ओके। टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कूदते हैं। फिर
टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं, पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर। हेलो बच्चों, ओ ये क्या है, तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं। तुम छोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो? डायनासोर। बिल्कुल ठीक, हमें जॉर्ज के लिए एक डायनासोर गुब्बारा ढूंढना है। तुम सबको गुब्बारे दिलाते हैं। हेलो मैडम गजेल, हमें कुछ गुब्बारे चाहिए। जरूर, मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुब्बारे हैं। क्या मैं एलिफेंट का गुब्बारा ले सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए पेपा। मुझे कांगारू चाहिए। एक लायन वाला। मुझे मंकी चाहिए। एक पैरट वाला। ओ हाँ, मेरे पास ये सब हैं। और सबसे जरूरी है, हमें एक डायनासोर का गुब्बारा चाहिए जॉर्ज के लिए। ओ डियर, मेरे पास डायनासोर का कोई गुब्बारा नहीं है। ओ फिक्र मत करो जॉर्ज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम ये दो लंबे गुब्बारे ले सकते हैं? सब लोग उसको देखो। डैडी पिग गुब्बारे से क्या कर रहे हैं? बन गया। क्या कोई बता सकता है ये क्या है? ये कांगारू है? नहीं, ये है डायनासोर। बिल्कुल ठीक, डायनासोर। डैडी पिग ने एक डायनासोर गुब्बारा बनाया। डायनासोर, अब वो उछलने वाला कासल। पापा को उछलने वाले कैसल में उछलना पसंद है। सबको उछलने वाले कैसल पर उछलना पसंद है। थंडरस्टॉर्म। प्यारा और सुनहरा दिन है। पापा और जॉर्ज पिकनिक मना रहे हैं। ये लो तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस। क्या कहना चाहिए टेडी? बहुत बहुत थैंक यू पापा। ओ कोई बात नहीं टेडी। और ये है ऑरेंज जूस तुम्हारे लिए डायनासोर। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डायनासोर। क्या टेडी और मिस्टर डायनासोर को कुकी चाहिए? ओ हमें बहुत भूख नहीं है, इसीलिए पापा और जॉर्ज सारी कुकीज खा सकते हैं। थैंक यू टेडी। ये अजीब आवाज कैसी? पापा, जॉर्ज, जल्दी घर के अंदर आ जाओ। मम्मी, एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। ये गड़गड़ाहट है पापा, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा। जल्दी बारिश शुरू होने से पहले घर के अंदर आओ। ओ, घबराओ मत, बारिश आने में अभी बहुत देर है। आकाश ज्यादा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, तूफान आने वाला है। पापा, जॉर्ज, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलौने लाए? डायनासोर। अच्छा है, मिस्टर डायनासोर सुरक्षित हैं। टेडी, मैंने टेडी को वहीं पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा। चिंता मत करो पापा, डैडी पिक तुम्हारा टेडी ले आएंगे। जल्दी करो डैडी पिक, अभी बारिश होने वाली है। मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है। बेचारा टेडी पूरा भीग गया। हाँ बेचारा टेडी, चलो उसे सुखाते हैं। बेचारा टेडी। ये लो टेडी, तुम सूख गए। पर बेचारे डैडी का क्या, मैं भी तो भीग गया हूँ। ओ सॉरी डैडी पिग, आपको भी सुखा देते हैं। ये देखो डैडी पिग, बिल्कुल सूख गए। बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है, फर्श गीली हो रही है। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे डैडी पिग? चिंता की कोई बात नहीं,
डैडी पिग बूंदें इकट्ठा करने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाबाश डैडी पिग, बहुत ही आसान था। ये क्या? जल्दी पानी जमा करने के लिए कुछ और लेकर आओ। बहुत अच्छे पापा। बहुत ही आसान था। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। हर एक चमक और शोर के बीच गिनती करते हैं और ज्यादा गिनती करने से तूफान दूर चला जाएगा। एक, दो, तीन। तीन पर। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच पर। तूफान दूर जा रहा है। तूफान शांत हो गया है। तूफान की वजह से बगीचे में मिट्टी के कई गड्ढे बने हैं। पेपा को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। सभी को मिट्टी के गड्ढों में कूदना पसंद है। मुझे तूफान बहुत पसंद है, उनकी वजह से मिट्टी के गड्ढे बनते हैं। चपक 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 चपक। पोस्टमैन मिस्टर ज़ेब्रा पेपा के घर पर एक पार्सल दे रहे हैं। आपके लिए पार्सल है मिस्टर पिग। थैंक यू मिस्टर ज़ेब्रा। बाय बाय। ये देखो, मेरे लिए अभी पोस्ट से एक पार्सल आया है। चलो बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है। डायनासोर। ओ जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। इतने छोटे पार्सल में डायनासोर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये एक नया खिलौना है। तुम बहुत करीब हो। मुझे पता है इसमें क्या है। आपका नया कैमरा, डैडी पिक का नया खिलौना। बिल्कुल सही, ये मूवी कैमरा है। हम इससे फिल्म बना सकते हैं और उसे टीवी पर देख सकते हैं। क्या मैं इसे पहले इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है। सूजी शीप की मम्मी के पास एक मूवी कैमरा है, वो उसे ऐसे स्विच ऑन करती है। ओहो, शाबाश पापा। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी पहली मूवी शूट करने के लिए बेताब हूँ। क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। सूजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है। मूवी 3000। अब वो आवाज नहीं आएगी। शाबाश पापा। तो पहले किसका वीडियो लूं? डैडी मेरा लीजिए। ओके पापा। हेलो, मैं हूँ पापा पिग। चलो आ जाओ सब लोग। हेलो, मैं हूँ पापा पिग। फिर से। अच्छा ठीक है। ये पापा बहुत बोले। हेलो, मैं हूँ पापा पिग। फिर से। ये पापा बहुत बोले। हेलो, मैं हूँ पापा पिग। फिर से। चलो अब कोई नया वीडियो बनाते हैं। मैं जानती हूँ। डैडी पिग, आप कमरे से बाहर जाइए, हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे। अच्छा आइडिया है। जब तक मम्मी, पापा और जॉर्ज एक सीक्रेट मूवी बनाते हैं, तब तक डैडी पिग को किचन में रुकना होगा। झांकना नहीं डैडी पिग। अब हम सबको कुछ करना होगा। जॉर्ज, पहले तुम करोगे। क्या हो गया? क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? हो गया, अब आप अंदर आ सकते हैं। जॉर्ज ने एक मूवी बनाई है और पेपा ने भी। तो चलो पहले जॉर्ज की मूवी देखते हैं। डायनासोर। इसमें जॉर्ज एक डायनासोर बना है। ये तो बड़ा डरावना डायनासोर बना है।
ओहो, ये क्या? जॉर्ज डर गया। डरो मत जॉर्ज, टीवी पर कोई असली डायनासोर नहीं है, वो तुम हो। अब पेपा की मूवी देखेंगे। अब ये कौन है? मैं हूँ डैडी पिग। अच्छा, मेरा पेट बहुत बड़ा है क्योंकि मैं बहुत सारी कुकीज खाता हूँ। मेरा पेट बड़ा नहीं है, पर ये बात सच है कि मुझे कुकीज पसंद है। और आप जितनी ज्यादा खाएंगे आपका पेट उतना ही बड़ा होगा। चलो अब आगे क्या है? ये है मेरा प्यारा छोटा भाई जॉर्ज, ये है मम्मी पिग और ये मैं हूँ। और ये है असली डैडी पिग। स्कूल का नाटक। पेपा की क्लास एक नाटक करने वाली है, लिटिल रेड राइडिंग हुड। सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है, उन्हें घर में प्रैक्टिस करनी होगी। पेपा होगी लिटिल रेड राइडिंग हुड। मम्मी पिग ने पेपा को तैयार किया है और डैडी पिग पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे हैं। तो बताओ पेपा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत अच्छे, उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैनी डॉग बनेगा बड़ा बुरा भेड़िया। दादा डॉग और मम्मी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं। मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। बोलने के बाद हंसना नहीं डैनी। तुम्हें डरावना लगना चाहिए, देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं हूँ एक बड़ा बुरा भेड़िया और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। देखा? हाँ, सचमुच बहुत डरावना था। पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है, वो पेपा को उस भेड़िये से बचाएगा। मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। नहीं, तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेड़िये। मैं तुम्हें भगा दूंगा बुरे भेड़िये। शाबाश पेड्रो। रेबेका रैबिट दादी बनने वाली है। मैं क्या बोलूँ मम्मी? देखते हैं, नाटक के शुरुआत में बड़ा बुरा भेड़िया तुम्हें अलमारी में बंद कर देगा, नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थैंक यू। कहो थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे रेबेका। स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं। आप सभी का स्वागत है, हम पेश कर रहे हैं द लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से। प्लीज प्लीज, कलाकारों की फोटो लेना मना है, ऐसा मत कीजिए। और अब शुरू करते हैं हमारा नाटक दादी घर पर है, पर ये मेहमान कौन है? मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। क्या बात है डैनी? ओहो, आगे क्या बोलना है ये डैनी भूल गया। दादी आप अलमारी में चले जाओ। अलमारी में जाओ। बड़ा बुरा भेड़िया दादी बनने की नकल कर रहा है। मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैडी आपको फोटो नहीं खींचने चाहिए। ओहो सॉरी पेपा, जारी रखो। मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ। ओह, तुम मेरी दादी की तरह नहीं दिख रही हो। तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं? तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं? तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम एक बड़े बुरे भेड़िये हो। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। पर देखो यहाँ कौन आया है, ये है शिकारी पेड्रो। बचाओ, कोई बचाओ।
बिल्कुल सही वक्त पर शिकारी पेड्रो। पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। पेड्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ प्लीज। तुम बहुत ही शरारती भेड़िए हो। मैंने आपको बचा लिया दादी। थैंक यू। शाबाश, शाबाश। बहुत अच्छे। पेड्रो, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम बिल्कुल मेरे जितने अच्छे थे। पेपा और जॉर्ज प्ले ग्रुप में जा रहे हैं। ये जॉर्ज का पहला दिन है। जॉर्ज, क्या तुम्हें प्ले ग्रुप में जाना अच्छा लग रहा है? डैडी, मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्ले ग्रुप के लिए बहुत छोटा है। वो ठीक रहेगा पेपा, और फिर तुम और मिस्टर डायनासोर वहाँ उसके साथ रहोगे। डायनासोर। लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, ना कि जॉर्ज और उसके डायनासोर से। ओह डियर, पेपा जॉर्ज के साथ प्ले ग्रुप में जाना नहीं चाहती। हम पहुंच गए। डैडी, आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है? वो ठीक रहेगा। ठीक है, ये आ सकता है। बाय बाय। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। मैं काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर। शानदार। डायनासोर। डायनासोर। सच में डरावना है। ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पेपा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। चलो हम जॉर्ज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं। जॉर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है। जॉर्ज, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं। पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो। नहीं जॉर्ज, ये रंग सही नहीं है। अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो। जॉर्ज, ये सही शेप नहीं है। अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो। परफेक्ट। जॉर्ज, तुमने बिल्कुल गलत बनाया है। देखें तो तुमने क्या बनाया है? मैंने एक फूल पेंट किया है। ये बहुत अच्छा है पेपा। और जॉर्ज ने पेंट किया है एक डायनासोर। ये डायनासोर। शानदार। जॉर्ज और पेपा की तस्वीरों को दीवार पर लगाना चाहिए। पेपा, तुम्हें अपने छोटे भाई पर गर्व होना चाहिए। हाँ, मुझे है। घर जाने का समय हो गया और बच्चों के मम्मी पापा उन्हें लेने आ गए हैं। क्या जॉर्ज फिर से आ सकता है? हाँ, और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है। अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जॉर्ज? डायनासोर गर्ली। एक और डायनासोर की तस्वीर। शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डायनासोर कैसे पेंट करते हैं।
शानदार। हाँ शानदार शानदार। पेपा और जॉर्ज ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के घर खेल रहे हैं। ग्रैंडपा पकड़ो। हो, 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 पकड़ो। ओ ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? मैं ये बीज बो रहा हूँ। बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं। मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूंगा। फिर मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगा और पानी डालूंगा। मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है। ये बड़ा सेब का पेड़ भी? ओ हाँ, ये छोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा इस तरह। और ये छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड़ इस तरह। और इस सेब में बहुत सारे बीज हैं। और सेब के पेड़ उगाने के लिए? बिल्कुल ठीक। ग्रैंडपा ग्रैंडपा मुझे भी एक बीज लगाना है। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? हाँ, अब जॉर्ज की बारी है लगाने की। हाँ जॉर्ज तुम लगाओ गाजर। ग्रैंडपा मेरे ख्याल से जॉर्ज गाजर लगाना चाहता है। जॉर्ज क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो? ना। तुम क्या उगाना चाहते हो? जॉर्ज ने कुछ सोच लिया है जो वो उगाना चाहता है। जॉर्ज उगाना चाहता है एक डायनासोर पेड़। तुम भी जॉर्ज, डायनासोर पेड़ पर नहीं उगते हैं। डायनासोर। द स्लीपी प्रिंसेस। रात हो चुकी है, पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं।
गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। मम्मी, डैडी। बोलो पेपा। मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी। जॉर्ज, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे। हम प्रॉमिस करते हैं। तो आज मैं तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाऊंगा। क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है। बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है। क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पापा, अगर तुम बातें करती रहोगी तो डैडी पिग कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मम्मी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है। एक स्लीपी प्रिंसेस। बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। और हाँ, वहाँ पर एक ड्रैगन भी था। डायनासोर? अरे हाँ, वो ड्रैगन नहीं था, वो डायनासोर था। बाहर एक बड़ा भयंकर डायनासोर था। ओहो, शायद वो डायनासोर इतना भी भयानक नहीं था, है ना डैडी पिग? सॉरी जॉर्ज, नहीं, वो डायनासोर बहुत दयालु था। वो सिर्फ घास खाता था। डैडी पिग। ओप्स, सॉरी, मैं भी डायनासोर बन गया। डैडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूँ। वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चांद दिखने लगे और सबको बहुत नींद आने लगी। पर सबसे ज्यादा नींद स्लीपी प्रिंसेस को आई। पेपा, नींद आ रही है? नहीं डैडी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। पर किसी को आ गई है। जॉर्ज, उठो भी, कहानी का अंत सुनना है कि नहीं? पेपा को तो नींद नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी। सारा दिन आईने में देखकर वो पूरी तरह से थक गई थी। चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ। गुड नाइट। और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नींद सो गई। कहानी के लिए थैंक यू किंग डैडी। यू आर वेलकम क्वीन मम्मी। और हमारे छोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बड़ा मजा आया। गर्मी का दिन। सूरज चमक रहा है, बहुत ज्यादा धूप है। कितना प्यारा सुहाना दिन है। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए। मुझे मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। ओफो, धूप इतनी तेज है कि सारे गड्ढे सूख गए हैं। मम्मी, डैडी, गड्ढे सारे सूख गए हैं और हम उनमें कूद नहीं सकते। कोई बात नहीं पापा, इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो। हाँ, स्विमिंग पूल।
लेकिन पहले तुम्हें अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगे। जी मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं। मम्मी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है और डैडी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है। बहुत धूप है, तुम्हें सनक्रीम की जरूरत पड़ेगी। याक, बहुत चिपचिपा और गंदा है। याक। इसकी क्या जरूरत है? है, आज हम सबको जरूरत है। चलो जॉर्ज, इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं। डैडी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे हैं। कितना आसान है। पेपा ने पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा और जॉर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है। आइसक्रीम, आइसक्रीम। मिस रैबिट आइसक्रीम लाई है। आइसक्रीम। गर्मी के दिनों में मिस रैबिट आइसक्रीम बेचती है। मम्मी, डैडी, क्या जॉर्ज और मैं आइसक्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हुरे! क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? सबको आइसक्रीम पसंद है। हेलो मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज। हेलो मिस रैबिट, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? क्या मुझे कोन मिल सकता है प्लीज? हाँ जरूर मिल सकता है पेपा। थैंक यू। मेरे लिए और डैडी पिग के लिए भी वही देना प्लीज। और छोटे मिस्टर जॉर्ज को क्या चाहिए? डायनासोर। डायनासोर? बुद्धू जॉर्ज, वो हर चीज के लिए डायनासोर कहता है। पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डायनासोर की आकार में एक कैंडी है, ये लो। डायनासोर। जॉर्ज, पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खत्म करो। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। थैंक यू मिस रैबिट। सब मजे करो। जॉर्ज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खत्म करनी चाहिए पिघलने और जमीन पर गिरने से पहले। ओहो, जॉर्ज की डायनासोर आइस कैंडी पिघल कर जमीन पर गिर गई। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम डैडी की आइसक्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी है कि डैडी पिग सो गए। डैडी पिग को गर्मी लग रही है। चलो उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर पानी डालते हैं। अच्छा आइडिया है पापा। क्या हुआ? आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे, इसीलिए हमने आप पर पानी डाला। ओह अच्छा, थैंक यू पापा। देखो पानी के गड्ढे। चलो जॉर्ज जूते पहनो। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हैं। पेपा और जॉर्ज को ऐसा गर्मी वाला दिन पसंद है, पर सबसे ज्यादा उन्हें गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है।